आसमानों पर लिखा। ये अल्लाह कुछिया कुछिया। ओ चंदा भी जल्दी से चाबियां लेकर आओ। जी बीबी। जल्दी आओ जल्दी। लगाओ चाबी। जान अल्लाह खैर करे, मेरा दिल तो बहुत ही घबरा रहा है। दरवाजा खोलो जल्दी। ओह कुत्सिया कुत्सिया कुत्सिया, इसे क्या हो गया? चंदा भी इसे ऊपर लिटाओ जल्दी। दुल्हन बीबी संभाल के। दुल्हन बीबी उठी अच्छी तरह से लिटाओ ठीक से, और मेरा ख्याल है जल्दी से जाके डॉक्टर को फोन करो। कुत्सिया कुत्सिया, ओह इसे तो बहुत तेज बुखार है। डूडी की कॉल है, अभी तो मिलके आया था। हे ब्यूटीफुल, क्या कौन बेहोश हो गया? रात तक तो ठीक थी, बुखार भी है। तो फिर डूडी आपकी गलती है ना, आप चंदा भी को क्यों साथ लेके गई? अब मुझे क्या पता होगा कि कोई भीग जाता है तो क्या करना चाहिए? टूटी मेरा मूड खराब ना करें, सब डैड की गलती है, उनसे जाके पूछ लें आप। अच्छा चले मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। या लव यू टू। कौन बेहोश हुआ है यार? लड़की है ना कुछ से आप, वो बेहोश हो गई है। अपेरेंटली डैड ने उससे कुछ कह दिया था, वो कल रात को घर जाने की कोशिश कर रही थी। रात को तो बहुत तेज बारिश भी थी ना, आशिक हुसैन उसे गेट पे रोक लिया और वो गेट पे ही भिगती रही। अब ऑब्वियसली उसे बुखार हो गया और वो बेहोश हो रही है। वो एनीवे ये हमारा मसला नहीं है, दादो घर पे नहीं थी इसलिए पूछ रही थी। अब इस बात को छोड़ो भी, कुछ और बात कर सकते हैं? तुम बेहिसी में बिल्कुल अपने डैड जैसे हो। तुमने वाकई एक लड़की की जिंदगी खराब की, एक नहीं बल्कि दो लड़कियों की। नताशा अब तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हें बोला ना ये हमारा मसला नहीं है, इस बात को लेकर इतना सीरियस क्यों हो रही हो? मैंने डैड से बात की थी लेकिन उनका तो कुछ और ही कहना था। नताशा आई एम द वन हू इज गोइंग क्रेजी, इस सिचुएशन में मैं पागल हो रहा हूँ। पागल होने की कोई जरूरत नहीं आलियान, हर मसले का कोई ना कोई हल जरूर होता है। और जहां तक मैं समझ पाई हूँ, तुम्हारे डैड काफी संग दिल हैं। कभी कभी मैं डर जाती हूँ, अगर तुम भी सुल्तान अंकल की तरह अपनी फैमिली के लिए डिक्टेटर निकले तो मैं क्या करूंगी? बच्चे अपने पेरेंट्स की नेचर पता जाते हैं। दाशा यार बुखार बहुत तेज है, शायद इन्हें एडमिट करना पड़े। वैसे बुखार तो किसी स्ट्रेस से भी आ सकता है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि ये मलेरिया का अटैक है। कुछ टेस्ट ज़रूरी हैं, मैं कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ। फिलहाल ये दवाइयाँ दीजिए। वैसे ये आपकी
मेरी रिश्तेदार हैं, रात ही आई हैं, बारिश में भीग गई थी। काफी सेंसिटिव लगती हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि इनकी गुनूदगी लंबी ना होने पाए। हर घंटे इनका बुखार चेक करना होगा। उमूमन पेशेंट की ये कंडीशन नर्वस ब्रेकडाउन तक ले जाती है। मेरा ख्याल है कि अस्पताल में इनकी देखभाल बेहतर रहेगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। रात तुम कहाँ थे? मैं बड़ी बेगम साहब, अल्लाह की कसम मैं तो कहीं भी नहीं गया। मैं तो सारा वक्त अपनी ड्यूटी पर था। रात को बारिश में कहीं सो तो नहीं गए थे? कुछ पता भी है कि आसपास क्या होता रहा? तौबा तौबा बड़ी बेगम साहब, तौबा तौबा, बारिश में सोने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कयामत की बारिश थी, कयामत की बड़ी बेगम साहब। सच कह रहे हो आशिक हुसैन, रात तो वाकई बड़ी क़यामत की बारिश थी। खैर, तुम जाओ यहाँ से। जी बहुत बेहतर। मम्मी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। तुम्हारी बात भी सुन लूँगी, लेकिन मुझे ये बताओ पहले, जो कि यकीनन तुम्हें पता होगा, कि सुल्तान ने रात उस लड़की को ऐसा क्या कहा कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन होते होते रह गया। तुम जानती हो वो रात से बेहोश पड़ी है। सोचो राना, अगर उस लड़की को कुछ हो जाता तो हम उसके माँ बाप को क्या जवाब देते? दुनिया की नज़र में वो आलियान की बीवी है। अगर उस पर कोई मुसीबत आएगी तो हमसे सवाल होगा। चलो, सवाल ना भी हुआ, हम में कोई इंसानियत भी है या नहीं? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि सुल्तान, आलियान और तुम भी, तुम लोग जिंदगी को अपनी नाक से आगे क्यों नहीं देखते? तुम लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज है? तुम लोग खुद को बड़ा इंसान समझते हो, लेकिन कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। वो लड़की किसी का क्या लेती है यहाँ रहेगी तो? वो किसी से क्या मांगती है? वो तो आलियान से भी कुछ नहीं मांगती, जो निकाह के बाद उसके हर अच्छे बुरे का जिम्मेदार है। दुल्हन बीबी, दुल्हन बीबी, ला, दुल्हन बीबी का माथा तो तवे की तरह से जल रहा है। पता नहीं इसमें कंबल उड़ाना भी चाहिए कि नहीं। मेरी भी ना मती मारी गई है, सारा फसाद इस चादर का है। मुझे क्या पता था कि बारिश में इतनी ठंड हो जाएगी। हद हो गई। चंदा भी, आप जाके एक कप चाय का लेके आए मेरे लिए। जी आलियान बाबा। हेलो। नहीं जी, आलियान बात कर रहा हूँ। हाँ, वो सो रही हैं इस वक्त। जी, जाती है तो मैं कॉल करवाता हूँ। हाँ, बुखार है शायद थोड़ा सा। क्या क्या मतलब? मैं डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता क्या?
मैं बिजी हूँ थोड़ा सा, आपकी बहन उठती है तो मैं कॉल करवाता हूँ। आपको तो बहुत तेज बुखार है, कल रात को क्यों नहीं बताया आपने मुझे? रात को सिर्फ सर में दर्द था। I'm sorry, मुझे बुखार हो गया। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अब आपसे प्रॉमिस किया था कि आज चली जाऊंगी, आप छोड़ देंगे मुझे घर? नहीं, इस हालत में आपको छोड़ूंगा लोग कहेंगे मैं डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बुखार नहीं हो रहा मुझे, आप चेक कर सकते हैं? अच्छा तो लाए चेक। थैंक्स चंदाबी। चंदाबी, दादू कमरे में वापस आ गई हैं या दोनों औरतों के अभी तक मुज़ाकरात जारी हैं? आलियान बाबा, बीजन आपको याद कर रही है। हाँ, जल्दी से आप तैयार हो जाएं, आपका हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। चंदा भी प्लीज इनकी हेल्प करें। पहले सूप। आलियान, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है बेटा, और बहुत अफसोस भी हो रहा है। क्या सोचती होगी वो लड़की, हम कितने कमजोर और छोटे लोग हैं। सब कसूर डैड का है, उनकी सोच भी मेरी समझ से बाहर है। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ क्या? Obviously not दादो, मैंने क्या किया है? हाँ, तब उस मैडम को भी तो देखे ना, क्या जरूरत थी उसे आशिक हुसैन के सामने रोने धोने की? अब क्यों गुस्सा कर रहे हो? इस घर के सारे मुलाजिम जानते हैं बेटा कि वो क्यों और किस हैसियत से यहां रह रही है। फिर जब तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है उससे, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है वो आशिक हुसैन के कमरे में रहे या चंदा बी के? टूटी, अब आप तो तंज ना करें, ऑब्वियसली मेरी वजह से आई है उस घर में, फर्क तो पड़ेगा ना। अब मम्मी को देख लें, कितना अच्छा मौका मिल गया उनको मेरी इंसल्ट करने का। आलियान, जिस हवाले से तुम अपनी इंसल्ट को महसूस कर रहे हो ना बेटा, सोचो ये हवाला उस लड़की के लिए कितना मोतबर होगा। मैं उसका चेहरा पढ़ सकती हूं, ये सारा सुल्तान की बातों का असर नहीं है बेटा, वो शायद अपने आने वाले वक्त से खौफजदा है। मैं तो उसे देखकर हैरानी रह गई, यकीन करो मुझे बहुत दुख हुआ है, तुम्हारी इस जज्बातियत ने हमें बड़े मुश्किल दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है बेटा। जाने अनजाने में हम सब ने उस लड़की के साथ ज्यादती की है। आलियान, तलाक मर्द देता है और दाग औरत के माथे पर लगता है बेटा।
चाहे उसमें औरत का कसूर हो या ना हो। मर्द से कोई नहीं पूछता बेटे कि तुमने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी है, लेकिन औरत बेचारी को कदम कदम पर यह एहसास दिलाया जाता है कि तुम ही बीवी बनने के काबिल नहीं थी। टूटी, मैं पहले ही बहुत अपसेट हूं, पर से आपकी ये बातें, आप तो प्लीज ऐसी बातें ना करें। आप जानती हैं टूटी, मैं नहीं हूं ऐसा शख्स, ना ही मैं जालिम हूं, ना ही मैं खुद गर्ज हूं, ना ही मैं किसी को हर्ट करना चाहता हूं। आप पूछें उस लड़की से, वो खुद ही यहां पे नहीं रहना चाहती। यहां रुक के करेगी भी क्या? सोए दादो, आप पूछें उससे, वो यहां से जाने में खुश है। आलियान, आलियान, बच्चों जैसी बातें मत करो बेटा। तुम्हारा इस मामले में ये नॉन सीरियस रवैया मेरी समझ से बालातर है बेटे। आलियान, पानी में भीगने से किसी को नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता। सर दबा दें थोड़ा सा, परेशान कर दिया आपने। आफी, आफी बेटा। जी अब्बा। इधर आओ बेटा, इधर आओ। ये लो मोबाइल लो, और कुत्सिया का नंबर मिलाकर मुझे दो, मैं खुद उससे बात करूं। डॉक्टर के पास गई भी है या नहीं, या अभी तक घर में बैठी हुई है? अबू वो सो रही हैं, और आलियान भाई के नंबर पे कॉल करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने उन्हें मैसेज कर दिया है, वो उठेंगी तो आपको कॉल बैक कर लेंगी। अच्छा बेटा, पता नहीं वो डॉक्टर के पास भी गई है या नहीं। अबू क्या हो गया आपको? बड़े लोगों के डॉक्टर ना उनके घर पर आते हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अच्छा फिर ऐसा करते हैं कि मैं उनके घर जाकर मिलकर आ जाती हूँ उनसे। नहीं 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 अबू, वो समझेंगे क्या मैं उनकी परवाही नहीं है? बेटा यूं किसी के घर बिन बुलाए चले जाना ठीक नहीं होता। अब्बा वो कुत्सिया का घर है, हमारी बहन का घर है, वहां जाना तो बनता है। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रही है, कुत्सिया के घर जाना तो बनता है, क्यों नहीं जाएंगे? आखिर आपकी बेटी का ससुराल है और उसकी तबीयत भी खराब है, अगर हम लोग देखने नहीं गए तो ये बहुत बुरी बात नहीं होगी? शाहीन बहन आप ठीक कह रही हैं, जाना चाहिए, लेकिन यूं अचानक चले जाना ठीक नहीं होगा। देखें एक तो कुत्सिया की तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से हमें देखकर वो और परेशान हो जाएगी। फिर आप जानती हैं कि बेटियों के घर बगैर किसी एहतमाम के नहीं जाया जाता। कर लेंगे एहतमाम, क्यों आपदा बहन, उसकी तबीयत खराब है और ऐसे में लड़की को ससुराल में छोड़ना अच्छा नहीं लगता। वैसे भी ससुराल में लड़की की इज्जत मैके के दम से तो होती है। अकेला कहाँ छोड़ा शाहीन, बस उसकी शादी के बाद हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि वहां जाना ही नहीं हुआ, तो अब चले जाते हैं। कौन सा वो लोग कोकाफ में रहते हैं। आफिया हम दोनों चलते हैं, जाके तुम तैयार हो जाओ, वो बीमार है, किसी वक्त भी हमारी जरूरत पड़ सकती है उसे। मैं और आफिया चले जाते हैं भाई साहब, आप बेशक ना जाएं। बहुत ही बेमुरव्वत हो तुम, मैं तुम्हें फोन ना करूं तुम पलट कर पूछते भी नहीं हो, कहाँ गुम हो? बहुत दिल लग गया आलियान भाई के साथ। जहाँ दिल था वहाँ अब दर्द है आमना।
कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे यहाँ पे नहीं रहना, अपने घर जाना है। यहाँ नहीं तो मैं मर जाऊंगी। बस बहुत हो गया इस शादी का ड्रामा। कुत्सिया, कुछ हुआ है क्या? तुम रो क्यों रही हो? जब से यहाँ आई हूँ तब से रो ही रही हूँ। अपना बड़े लोगों के पास घर ही बड़े होते हैं, दिल बहुत छोटे। क्या आलियान भाई भी ऐसे हैं? पता नहीं, कुछ लोग नेकी करके भूल जाते हैं। खैर मैं उनसे क्या गिला करूं? किस्मत में तलाक ही लिखी है तो मैं क्या कर सकती हूँ? चुप हो जाओ कुत्सिया, फजूल बातें मत करो। पता नहीं कौन सी घड़ी कबूलियत की होती है। अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा। बुखार से तुम्हारे दिमाग पर असर हो गया है। क्या जरूरत थी बारिश में भीगने की? बारिश? तस्दील की बारिश, बहुत ज्यादा बारिश। तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया है कुत्सिया। अब रो मत, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास। बल्कि ऐसा करो, तुम अपने घर पर आ जाओ, दिल बहल जाएगा। कौन सा अपना घर? अम्मी कहती है कि अपने घर में सब्र से रहो, तलाक की बात करूं तो उनकी सांसें रुक जाती हैं। अब्बा का दम भी इसी शादी में अटका हुआ है, बेशक मेरा दम निकल जाए। फिर वही फजूल बातें। फजूल बातें नहीं है अपना। तुम देखना मैं कहीं चली जाऊंगी, किसी को भी नजर नहीं आऊंगी। तुम लोग अपने घर में बैठ के मेरी बेबसी का अंदाजा नहीं लगा सकते, सिर्फ बातें कर सकते हो बस। दुल्हन बीबी, दुल्हन बीबी आंखें खोलें। तो बुखार और तेज होता जा रहा है। दुल्हन बीबी देखिए, मैं पानी की पट्टियां लेकर आई हूं आपके लिए, अब भी बुखार कम हो जाएगा आपका। आप बस मुझे पानी पिला दें। ये लीजिए दुल्हन बीबी, उठिए। आपका बुखार तो तेज होता जा रहा है, मैं बीजान को बताकर आती हूँ, आपको अस्पताल ले जाएंगी। किसी से कुछ मत कहिएगा, मैं ठीक हूँ। बीजान, इनका बुखार और तेज हो गया, इन्हें अस्पताल में दाखिल करा दें। अच्छा बेटा, ठीक तो हो? उठो बेटे। अरे तुम तो बहुत बहादुर बेटी हो, थोड़े से बुखार से डर गई। आप अब्बा से कहेंगे मुझे आगे ले जाए, आप बोलेंगी तो? आलियान, इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाओ। तो लेकिन मैं... बस कोई बहस नहीं, इंसानियत भी कोई चीज है। चंदा भी, कुछ से बीबी के लिए मेरी शॉल लेकर आओ, मौसम बदल रहा है, ठंड ना लग जाए, और बाहर वैसे भी आज कुछ खुनकी है। मैं जी बस 10 मिनट में तैयार करके गाड़ी तक ले जाती हूँ इन्हें। अब इस अल्लाह की बंदी को मैं कैसे समझाऊं? बात हुई कुत्सिया से, क्या कह रही है वो? पता नहीं फोन में मसला है या उनके अपने साथ कोई मसला है। मुसलसल बहल जा रही है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है। अब जो होगा देखा जाएगा, कभी तो ये भरम टूटेगा ना। ऐसे रिश्ते थोड़ी चलते हैं, ना लड़के का कोई अता पता, ना माँ बाप से कोई मेल जोल। ये बात कब तक छुपी रहेगी? अम्मी, मुझे तो लगता है कि आप ही की ज्यादा तबीयत खराब है। अब हमें इल्हाम तो होगा नहीं, फोन उठाएंगी तो पता चलेगा ना कि क्या मसला है। तुम तो हमेशा उल्टा ही सोचना। मैं आलियान भाई को फोन करके पूछती हूँ। लाओ मुझे फोन दो, मेरा क्रेडिट खत्म है। हेलो,
आलियान भाई, मैं सोबिया बात कर रही हूँ। हम लोग आप ही को फोन कर रहे थे, वो फोन नहीं उठा रही, इसलिए आपको डिस्टर्ब किया। सब खैरियत तो है ना? खैरियत है। ये ना आप खुद ही बात कर लें, बहन है आपकी। हेलो, आप ही कहाँ गायब हो? हम लोग आपको कब से फोन कर रहे हैं, आपका फोन कहाँ है? आपकी ज्यादा तबीयत खराब है क्या? सांस तो ले लो सोबिया, मैं फोन घर बुलाई थी, हॉस्पिटल में हूँ। तबीयत तो ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन बुखार हो रहा है। फोन भूल जाना तो आपका पुराना मसला है। अच्छा सुने, शाहीन आंटी आपके घर आना चाह रही हैं, आपसे मिलना चाह रही हैं। उन्हें लगता है कि आपकी ज्यादा तबीयत खराब है और हम लोगों को कोई परवाह नहीं। सोबिया अभी तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, तुम किसी तरह उनको टाल दो। तबीयत ठीक है तो आप हॉस्पिटल में क्या कर रही हैं? आपको तो बहाने बनाने भी नहीं आते हैं आप ही। सोबिया उनको साफ साफ कह दो मुझे किसी से नहीं मिलना। चले। फोन बंद कर दिया। आ जाओ। क्या हुआ? कुछ आ? चेक, यू ओके? आ जाओ, आराम से संभल के। हेलो डूडी। डूडी यार यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई है, डॉक्टर उसे यहाँ पे एडमिट कर दिया है। यार डूडी कहाँ फंसा दिया है आपने मुझे, मैंने आपसे कहा भी था मैंने नहीं आना यहाँ पे। आलियान मुझे सच सच बताओ बेटा, कहीं तुम वाकई फंस तो नहीं गए हो? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। उसका यूं अचानक बेहोश हो जाना, बीपी लो होना, ये सब तो बेटा। देखो आलियान, मुझे अब कोई नया सदमा मत देना बेटा, मुझे मुझे सच सच बताओ, कहीं कहीं तन्हाई में कुछ कुछ कर तो नहीं बैठे हो? तन्हाई? क्या मतलब तन्हाई में? डूडी किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? मतलब आप बोलना क्या चाह रही हैं? मतलब बताएं मुझे मैंने क्या किया है। देखो बेटा, मैं ये कब कह रही हूँ कि तुमने ऐसा वैसा कुछ किया है, मुझे सब सच सच बता दो, फिर मुझे हैंडल करने में आसानी होगी बेटा। देखो मियां बीवी हो। मियां बीवी? क्या मतलब मियां बीवी? गॉड सेक डूडी, मैं किसी का मियां नहीं हूँ। आपके कहने पे यहाँ पे उसे लेके आ गया, यही बहुत है। अब आप एक काम करें, उसके घर वालों को कॉल करें, खुद ही आके यहाँ पे संभालें। देखो आलियान, नेकी कर रहे हो ना तो बगैर किसी सिले और एहसास से बर्तरी के करो बेटा। यहाँ नहीं बैठना चाहते तो मत बैठो, लेकिन शोर मत करो, मुझे कुछ सोचने दो। इस वक्त मैं उसके घर वालों को बिल्कुल फोन नहीं कर सकती। मेरा तो दबाव माफ हो गया है बेटा, दिन ब दिन ये मसला उलझता ही चला जा रहा है। मैंने तो आपको भेजा था ना उसके घर, लेकिन आप ही हैं कि उसको वापस लेके आ गए। अब करें आप और भुगतो मैं, बाद में बात करता हूँ। क्या होगा आप ये आलियान, और क्या करेगा? सर आपकी मिसेज का बीपी काफी लो लगता है, क्या ये खाना नहीं खाती? क्या ये डाइटिंग करती है? नहीं मैं डाइटिंग नहीं करती। इन्हें हालांकि ज़रूरत तो नहीं है, माशाल्लाह से इतनी स्मार्ट और क्यूट हैं ये। ये कब तक ठीक हो जाएंगी? आई मीन इनको घर कब लेके जा सकता हूँ? फिलहाल ये घर नहीं जा सकती, आप हस्बैंड हैं, अगर आप ख्याल रखेंगे तो जल्दी घर चले जाएंगे। तो फिर घर ही ले जाता हूँ। आई मीन अगर मैंने इसका ख्याल रखना है तो फिर घर ही ले जाता हूँ। क्या आपकी नई नई शादी हुई? सॉरी, आपको मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है। आप चले जाइए, मैं ठीक हूँ। मैं कल सुबह खुद घर चली जाऊंगी। No, it's completely all right. To be honest, मैं थक गया हूँ।
आपकी वजह से पता नहीं और कितनी प्रॉब्लम उठानी पड़ेंगी मुझे। मैंने कहा ना I'm sorry। मेरी तबीयत इतनी खराब ना होती तो मैं आपको कभी तंग ना करती। मेरा मोबाइल आपके घर में रह गया, आप मेरी मम्मी को फोन करके कहें कि वो यहाँ आ जाए। मैं किसी को फोन नहीं करता। आपको रोने के अलावा कुछ और आता है? नहीं, मुझे बस रोना आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो प्लीज मेरे सामने मत रोया करें। रोने वाली लड़कियां मुझे समझ पसंद नहीं है ना। तो आप भी प्लीज मेरे सामने मत आया करें, आपको देख के मुझे रोना आ जाता है। जा रहा हूँ, लेकिन प्लीज जल्दी ठीक हो जाए, ज्यादा देर रुकने का शौक नहीं है मुझे। Hey, स्वीटी, how are you? कहाँ गए वो? तुम्हारे ऑफिस के करीब। तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस में नहीं हूँ इस वक्त, लेकिन तुम वहाँ क्या कर रही हो? तो फिर कहाँ हो? क्या किसी मीटिंग में बिजी हो? नहीं नहीं, मीटिंग में नहीं हूँ, एक्चुअली हॉस्पिटल आया हुआ हूँ। वो कुछ से बीमार हो गई थी ना? मैं खुद नहीं आना चाह रहा था यार, वो डूडी ने बोला था, तुम जानती तो हो रात को डैड ने। रात की बात छोड़ो, वो तुम्हें ना भी भेजी तुम्हें फिर भी जाना पड़ता। For God's sake, Natasha, किसी को अगर मैं हॉस्पिटल लेके आ गया तो इतनी बड़ी बात नहीं है। आलियान वो किसी ने तुम्हारी बीवी है। मैं जब भी ये बात भूलना चाहती तुम पता नहीं क्यों मुझे याद दिला देते हो। तुम क्यों खुद को और मुझे धोखा दे रहे हो? सुबह भी वो लड़की तुम्हारे साथ थी, फिर तुम उसे हॉस्पिटल ले गए और अब तुम उसके ठीक होने का इंतजार कर रहे हो। आलियान ये सारी बातें तुम्हारी रूटीन बनती जा रही है, इसीलिए तुम्हें इनकी कोई अहमियत नहीं नजर आती। तुमने कितनी आसानी से मेरी जगह उस लड़की को दे दी और तुम अब ये एक्सपेक्ट करते हो मैं ये सब हंसी खुशी बर्दाश्त करूं। आलियान ये सब आसान नहीं है, ये तुम कर सकते हो? नताशा, काश जितना तुम मुझसे प्यार करती हो ना, इतना यकीन भी कर लेती। मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है तुम्हारे से, कोई प्यार व्यार नहीं करती मैं तुमसे। मुझे तुमसे नफरत होती जा रही है, मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं रहा है। जस्ट गो टू हेल। जानू में जाए मेरी तरफ से, वो ये सोचना मेरा काम नहीं है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि आप उस लड़की के लिए मुझसे क्यों बहस कर रही हैं, क्यों उसे घर नहीं जाने दे रही? ये घर कोई वेलफेयर सेंटर है? वो लड़की अब यहां रहेगी मेरे पास इस घर में। वो अब तुम्हारा या आलियान का मसला नहीं है। और रही बात तलाक की, तो ये मामला मैं अपने तरीके से निपटाना चाहती हूँ। हर इंसान अपने हिस्से की खताएं भूल जाता है। तुम में और आलियान में कोई खास फर्क नहीं है। सुनो सुल्तान, अगर तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह है तो मुझे भी है। मैं नहीं चाहती कि तलाक के बाद वो लोग हमें बद्दुआएं दें और दुनिया को हमारी बेरहमी के किस्से सुनाएं। और अभी तो पिछली कहानी पर भी गर्द नहीं जमी। कुछ दिनों के लिए इस किस्से को भूल जाओ और लोगों को भी भूलने दो, फिर देखेंगे कि क्या करना है। नताशा,
तू यहाँ क्या कर रहा है? वापस कब आए? सर खैरियत तो है? हाँ खैरियत तो है, लेकिन तू मुझे बता when you got back? और अकेला है या मायरा को भी साथ लेके आया? अरे यार अब मैं कहीं अकेला जा सकता हूँ? साथ है वो मेरे, और इनफैक्ट डिलीवरी का टाइम भी करीब है। You're gonna be a father. Congratulations, buddy. ये कब हुआ? अच्छा उसको छोड़, मुझे एक बात बता, तू why don't you make this happen over there? यहाँ पे क्यों लेके आ गया? I'm pretty sure मायरा वहाँ पे ज़्यादा comfortable होती। नहीं यार उसकी खुशी की खातिर आना पड़ा है, वो अपना तमाम टाइम पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहती है। शादी के बाद तो मेरी जिंदगी एक थ्रिल बन गई है। अरे हाँ तुझे क्या थ्रिल बता रहा हूँ, दाऊद ने मुझे बताया था, तेरी शादी भी तो खुद एक थ्रिल थी। मुझे मालूम था तू जरूर कोई कारनामा अंजाम देगा, बारात कोई लेकर आया और दुल्हन तू लेकर आ गया। कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया मैंने, दाद की तो आदत है स्टूपिड स्टोरीज बनाता रहता है, कोई उल्टी सीधी स्टोरी सुना दी होगी तुम्हें। तो क्या मतलब तेरी कोई लव स्टोरी नहीं थी? एन शादी के मौके पर तू दुल्हन के पास पहुंच गया और उसको लेकर भी आ गया। यार ये शादी नहीं थी, ये तो एक सिंपल सा, जानता हूँ एक हिस्टोरिकल इवेंट था। मर्दों वाला काम किया तूने। यार मैं वहां शादी नहीं करने गया था। सब जानता हूँ दाऊद ने अटैक किया था मुझे पोस्ट में, और वो भी क्या एडमिट है, जरा जल्दी नहीं हो गया? नहीं ऐसी कोई कहानी नहीं है, जो लगता है सब तेरी तरह डैड बनने वाले हैं। तो मुझे क्या पता है यार, मैं भी तो पहली बार बाप बन रहा हूँ। अच्छा तो मिलवाएगा नहीं, देखो तो सही तेरा दिल कहाँ अटका हुआ है। अच्छा यार पहले तू मायरा से तो मिलवा दे। चलिए। सुल्तान आपकी खामोशी मेरी समझ में तो नहीं आती। मम्मी आपसे किस बात का बदला ले रही है? आलियान की माँ अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर गई थी ना, फिर आप उसके नाम पर ब्लैकमेल क्यों हो जाते हैं? राधा मैं तुम्हारी कोई तकरीर सुनने के मूड में नहीं हूं। सारे जमाने का गुस्सा मुझ पर उतार दिया करें, लेकिन मैं बता रही हूं जो मम्मी चाहती हैं वो मैं होने नहीं दूंगी। उनकी मिडिल क्लास सोच कभी नहीं बदलेगी, लेकिन आप भी मेरी एक बात कान खोल कर सुन लें कि अगर आलियान की वजह से नताशा हर्ट हुई तो मैं आलियान को इस घर में नहीं रहने दूंगी। आलियान इस घर में नताशा के साथ तो रह सकता है, लेकिन किसी दूसरी औरत को मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। तुम एक बात भूल रही हो कि ये घर मम्मी के नाम पे है, ये उनका घर है।